Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 11, that is genes and experience, PSY6 and neurological basis of behavior. Inbreeding last topic हमने discuss किया था, जो कि inbreeding आपके जो restricted आपके gene pools हैं, वो कैसे आपके further जो है वो lead करता है. Serious after effects यानी कि आपके जो bad genes हैं, वो show up होना शुरू हो जाएंगे, जो आपको genetic disorder हो सकते हैं, behavioral defects हो सकते हैं काफी. तो ये सारे inbreeding की वजह से यहाँ पर एडम्स एंड नील का जो कौन ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है. एंड देन सोशियो बायोलॉजी ऑफ इंसेस्ट, व्हाई फॉरबिडन इन ऑल रिलीजियंस. तो जो क्लोज मेटिंग है, दिस इज डेंजरस. यहाँ पर टू डिफरेंट अगर जीन पूल्स होंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, और कोई बैड जीन जो है वो शॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. यहाँ पे हाइब्रिड फिगर का एक कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर टू डिफरेंट जीन पूल्स होंगे मेटी टुगेदर, दैट विल लीड टू द ऑफस्प्रिंग इज स्ट्रॉगर एंड द ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल्स. यहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं ड्यू टू सिंगल जीन्स डिफेक्ट्स. अब बिहेवियर डिफेक्ट्स जो होते हैं जीन्स की वजह से, जो कि जेनेटिक होते हैं, और डेफिशिएंसीज कौन कौन सी हैं जीन डिफेक्ट्स की वजह से, वो ये हैं. और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से भी आ सकते हैं. अलग से भी ये PKU के बारे में पूछा जाएगा, फिनाइलकेटोनोरिया के बारे में, या फिर वो आप पूछ सकते हैं कि डेफिशिएंसीज जो है सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से वो कौन सी होती हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है. अब जो फिनाइलकेटोनोरिया है, वो करेक्टराइज मेंटल रिटार्डेशन है एक. एंड देन दिस इज अबाउट डिसऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड, और अमीनो एसिड का ये डिसऑर्डर है. यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन भी है इस डिसऑर्डर में, और ये सारा एक एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिस डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी उनके बच्चे को जो ये था, तो ये उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट वो करके बताया कि ये किस हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये कब स्टार्ट होता है, और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ऑल दैट. ये आप एक बार रीडिंग करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. देन तेज डिसीज है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर. दिस इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. जो एंजाइम्स आपके जो मेटाबोलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो आपके जो एब्सेंस, यानी कि वो एंजाइम्स की एब्सेंस होती है, दैट हेल्प्स यू ब्रेक डाउन योर फैटी एसिड. तो जो फैटी एसिड्स हैं, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, तो आपके जो फैट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में. तो दिस विल लीड टू योर सीरियस प्रॉब्लम, और डेथ भी हो सकती है इससे. और ये बच्चों में ज्यादा है, और किन बच्चों में है यहाँ पे बता रहे हैं, ये सेकेंड है, इन्फेंटल फॉर्म ऑफ दिस डिसीज इज फाउंड मेनली फ्यू मंथ्स ऑफ एज. यहाँ पर एक बार इसको रीड करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन बच्चों में है, और डेथ जो है वो उनको डेथ जो है वो कब हो जाती है, ये कब स्टार्ट होता है, उसके बाद डेथ कब होगी उनकी. तो डेथ जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाती है. देन हंटिंगटन कोरिया है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हंटिंगटन कोरिया एक डिसीज है, करेक्टराइज बाई प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होती है, फिजिकल एंड मेंटल. यानी कि जो आपके जो कॉग्निशन है वो भी इससे डिफेक्टिव होंगे, एंड देन आपकी जो फिजिकल है, आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो भी अनकंट्रोलेबल होंगी. और वो मूवमेंट ये इसलिए है क्योंकि आपके जो बेसल गैंगलिया है वो इफेक्ट होता है, आपका कॉर्टेक्स इफेक्ट होता है, इस वजह से ये डिसऑर्डर होता है. देन अल्जाइमर की डिसीज इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक ट्रांसमिशन से होती है. एंड देन ये यंग पीपल में अगर हम देखें, इन केसेस व्हेन वेयर इट शोज अप इन यंग, यानी कि यंग पीपल में भी है, और ये ओल्ड एज में ज्यादा है. और अगर चांसेस जो हैं, अगर ये ज़्यादा हैं, अगर आपकी रिलेटिव्स में है किसी को अल्जाइमर है, तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं. अब ये पहले तो हमने वो डिफेक्ट्स पढ़े हैं जीन से रिलेटेड, एंड देन क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं. जो क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं अबनॉर्मलिटीज़, वो कौन सी हैं. डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जैसे कि आपको पता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल जो है ओवरऑल आपके 46 बनते हैं क्रोमोसोम्स. अगर एडिशनल क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड अप हो जाते हैं, देन 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो द डिफेक्ट, और ये इसमें बताया गया है कहाँ पर पाया जाता है, ये क्रोमोसोम कहाँ पे ऐड हो सकता है, और इसके क्या हैं नुकसान क्या हैं, एंड ये कब होता है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन क्वेश्चन, और MCQs में भी ये इम्पॉर्टेंट है. एंड देन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक एनोमली है. एंड देन इट इज रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स्ट्रा एक्स जो है वो ट्रांसमिट होता है नॉर्मल मेल पैटर्न में, जिससे मेल में जो है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. एंड देन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में एक मिसिंग क्रोमोसोम होता है, और वहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. तो ये फीमेल्स होती हैं जिनकी जो हाइट जो है वो शॉर्ट होती है, ओवर इज नॉट डिवेल्प्ड. तो ये सारे यानी कि फीमेल जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती. तो XYY सिंड्रोम है, XYY सिंड्रोम में जैसे कि XY है, तो ये इसमें XY जो है एडिशनल क्रोमोसोम है, जैसे कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं. तो ये नॉर्मल मेल पेयर मेल की जो अग्रेसिव, इससे अग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी, अग्रेशन ज़्यादा होगी उनमें.
एंड देन लीश नाहन सिंड्रोम जो है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे हैं, ये मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है लिम्स की, हैंड्स एंड फीट, फेशियल मसल्स की, सेल्फ म्यूटिलेशन लिप्स हैं, माउथ एंड फिंगर्स हैं. ये यहाँ पर सेल्फ म्यूटिलेशन आप पिक्चर निकाल के गूगल पे देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की हैं डिसऑर्डर है. देन बिहेवियर करेक्टरिस्टिक क्या हैं, यहाँ पे स्टडीज की गई हैं मोनोजाइगोटिक पे और डाइजाइगोटिक ट्विन्स पे, जो कि जेनेटिकली देखना है कि जीन्स जो है वो कैसे बिहेवियर डिफेक्ट्स रहते हैं, वो जीन डिफेक्ट्स की वजह से हैं और वो कौन से हैं. तो ये मोनोजाइगोटिक की है और डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स 100% जीन्स कॉमन होते हैं दोनों के, लेकिन डाइजाइगोटिक में दूसरे सिबलिंग की तरह 50% जीन्स जो है वो कॉमन होते हैं. और ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड देन शिजोफ्रेनिया है, शिजोफ्रेनिया में की भी स्टडी की गई, ट्विन स्टडी की गई है. और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया हुआ था कि शिजोफ्रेनिया के जो है वो बताएं ट्विन स्टडीज़ के बारे में. तो ट्विन स्टडीज इनकी के कितने परसेंट जो है वो चांसेस होते हैं ट्विन्स में शिजोफ्रेनिक होने के, और डाइगोजाइगोटिक ट्विन्स में या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में कितने चांसेस हैं. तो ये पूरे पैराग्राफ में आपने ये रीड करना है सारा. एंड देन रोजनथल की स्टडी है इसके बारे में, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है वो शिजोफ्रेनिया 60% उनकी होते हैं, प्रेजेंस होती है कॉनकॉर्डेंट ट्विन्स में. एंड ये सारा वही उसी परसेंटेज भी अच्छे से देखनी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs. एंड देन फॉस्टर चाइल्ड ट्विन्स जो हैं उनके बारे में कौन सी स्टडी की गई है, एंड देन शिजोफ्रेनिया के अबाउट है ये सारा पैराग्राफ. एंड देन नेक्स्ट इट इज़ डन, एंड आई होप आई मेड इट क्लियर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and share this channel. Because of if you have find any easiness or you find any facility, so you can share this with others. And I hope I made it clear. Milte hain next lecture mein, till then take care, Allah Hafiz.